Do subscribe and press the bell icon for more updates. हिंदी सिनेमा में अभिनेता अभिनेत्रियों के अलावा गीतकार और संगीतकारों की कामयाबी के हमने कई किस्से पढ़े होंगे, पर जब बात गीतकार साहिर लुधियानवी की आती है तो उनका अंदाज सबसे अलग होता है। बेशक उनकी प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई थी, पर उनके रोमांटिक गीत आज भी हम सुनते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहिर एक सन की किस्म के इंसान थे, तो कुछ उन्हें जिद्दी भी करार देते हैं। 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में जन्मा एक गीतकार साहिर तो बाद में बना, पर पहले अब्दुल हई के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब अब्दुल हई शायरी करने लगे तब वो बन गए साहिर लुधियानवी। साहिर ने फिल्म पैसा के गीतों से अपनी पहचान बनाई और कई कामयाब गीत दिए। साहिर ने दा उम्र शादी नहीं की, पर उनकी प्रेम कहानी अमृता प्रीतम और गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ खूब सुर्खियों में रही थी। अमृता प्रीतम और साहिर के प्रेम को लेकर अब भी हम कई नाटकों का मंचन होता देखते हैं। खैर, यहाँ बात करेंगे साहिर के सबसे अच्छे दोस्त जावेद अख्तर के साथ हुए एक किस्से की। ये किस्सा उस वक्त का है जब जावेद अख्तर संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें साहिर ने अपने यहाँ सहारा दिया था। एक दिन जावेद अख्तर की हालत को समझते हुए साहिर ने जावेद को 100 रुपए दिए, जो उस समय बड़ी रकम थी। जावेद ने वो पैसे ले तो लिए, पर उसे लौटा नहीं पाए थे। हालांकि साहिर ने कई बार जावेद को उस पैसों का तगादा जरूर किया था, पर जावेद ने पैसे खा लिए कहकर उस बात को टाल देते थे। फिर 25 अक्टूबर 1980 को साहिर सीने में दर्द की वजह से अपने डॉक्टर से मिलने गए, तो डॉक्टर ने साहिर के कहने पर उनके दोस्त जावेद अख्तर को बुलाया और साहिर हमेशा के लिए दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया से चल बसे। ऐसे में जावेद अख्तर ने साहिर की डेड बॉडी अस्पताल से टैक्सी से उनके घर ले आए और टैक्सी वाले को 100 रुपए किराया दिया, और जावेद अख्तर उस 100 रुपए की याद कर फूट फूट रोने लगे, जो मुश्किल की घड़ी में साहिर ने उन्हें दिए थे। फॉर मोर वीडियो एंड बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरीज सब्सक्राइब प्राइम फ्लैशबैक वर्ल्ड वाइल्ड एंटरटेनमेंट।